नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया की खास पेशकश 9 दिन 9 देवी यात्रा और आपके साथ मैं हूं चारुण शर्मा। नवरात्र हो और माँ काली के निवास स्थान कलकत्ता की बात ना हो तो नवरात्र अधूरे हैं। आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के, जो कि देश के महानतम देवी तीर्थों में से एक है। भक्तों के लिए ये किसी सिद्ध स्थान से कम नहीं है। कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर दक्षिणेश्वर जिले का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। मंदिर का निर्माण 1855 में रानी रशमोनी ने कराया था। यूं तो साल भर माँ के दर्शन के लिए भक्त माँ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, लेकिन श्यामा पूजा, शिव चतुर्दशी, बंगाली नववर्ष, अक्षय तृतीया और हर साल 1 जनवरी को कल्पतरु उत्सव के दिन दक्षिणेश्वर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। देश भर में यूं तो कई सारे मंदिर हैं जहां माँ दुर्गा के काली रूप की पूजा की जाती है, लेकिन अगर कलकत्ता की बात करें तो ये माँ दुर्गा का, माँ काली का निवास स्थान है। मान्यता है कि माँ काली के नाम पर ही इस शहर का नाम भी कलकत्ता पड़ा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की गणना भारत के महानतम देवी तीर्थों में की जाती है। काली माता का ये मंदिर 2 मंजिला है, जो कि 9 गुंबद पर खड़ा है। इन गुंबदों पर खड़े लगभग 100 फीट ऊंचे मंदिर के गर्भगृह में मां काली की सुंदर मूर्ति स्थापित है और यहां काली मां की मूर्ति लेटे हुए भगवान शिव की छाती पर खड़ी है। पूरी दुनिया में देवी भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, पर कोलकाता में देवी माँ के काली स्वरूप को मुख्य रूप से पूजा जाता है। कोलकाता में दक्षिणेश्वर की माँ काली सिद्धपीठ बंगालियों की आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। बंगाली समुदाय कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले माँ काली का आशीर्वाद लेना नहीं भूलता। दक्षिणेश्वर काली मंदिर को आदि शक्ति पीठ भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती और उनकी हर मुराद को पूरा करती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में कहा जाता है कि माँ खुद जागृत रूप में मौजूद हैं और इसीलिए इसे जागृत पीठ भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि काली घाट में माँ सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थी। पुराणों में काली को शक्ति का रौद्र अवतार माना जाता है और प्रतिमा या तस्वीरों में देवी को विकराल काले रूप में गले में मुंड माला और कमर में कटे हाथों का घाघरा पहने, एक हाथ में रक्त से सना खड़ग और दूसरे में खप्पर धारण किए लेटे हुए भगवान शंकर पर खड़ी जीवा निकाले दर्शाया जाता है। लेकिन कालीघाट मंदिर में देवी की प्रतिमा में माँ काली का मस्तक और 4 हाथ नजर आते हैं। ये प्रतिमा एक चकोर काले पत्थर को तराश कर तैयार की गई है। यहाँ लाल वस्त्र से ढकी माँ काली की जीभ काफी लंबी है, जो सोने की बनी हुई है और बाहर निकली हुई है। दांत सोने के हैं, आंखें तथा सिर गेरुआ सिंदूर के रंग से बना है और माथे पर तिलक भी गेरुआ सिंदूर का है। प्रतिमा के हाथ स्वर्ण आभूषण और गला लाल पुष्प की माला से सुसज्जित है। श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ सिंदूर का चोला दिया जाता है। दक्षिणेश्वर मंदिर तांत्रिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान है और उनका यहाँ साल भर आना जाना लगा रहता है। यहाँ सैकड़ों तांत्रिक पूरे भारत से आकर काली माँ की पूजा करते हैं। यूं तो हर मंदिर में पूजा का अलग अलग रिवाज होता है, ऐसा ही एक अनोखा रिवाज है बंगाल में माँ काली की पूजा का और वो है सिंदूर खेला। मान्यता है कि सिंदूर खेला की परंपरा लगभग 450 साल पुरानी है। जिस दिन माँ दुर्गा को विदा किया जाता है, यानी जिस दिन प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जाया जाता है, उस दिन बंगाल में सिंदूर खेला या सिंदूर उत्सव मनाया जाता है। ये विदाई का उत्सव है। इस दिन विजयदशमी भी होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं पान के पत्ते से माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं। उसके बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और उत्सव मनाती हैं। एक दूसरे के सुहाग की लंबी आयु की शुभकामनाएं देती हैं। कहा जाता है कि माँ दुर्गा मायके से विदा होकर जब ससुराल जाती हैं, तो सिंदूर से उनकी मांग भरी जाती है। साथ ही दुर्गा माँ को पान और मिठाई भी खिलाई जाती है।
विजयदशमी या माँ दुर्गा विसर्जन के दिन महिलाएं एक दूसरे के साथ माँ दुर्गा के लगाए सिंदूर से सिंदूर खेला खेलती हैं। सिंदूर विवाहित महिलाओं की निशानी है और इस अनुष्ठान के जरिए महिलाएं एक दूसरे के लिए सुखद और सौभाग्य से भरे वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। दशमी पर सिंदूर लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। खासतौर से बंगाली समाज में इसका बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा साल में एक बार अपने मायके आती है और वो अपने मायके में 10 दिन रुकती है, जिसको दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। सिंदूर खेला की रस्म पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में पहली बार शुरू हुई। लगभग 450 साल पहले वहाँ की महिलाओं ने माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिकेय और भगवान गणेश की पूजा के बाद उनके विसर्जन से पूर्व उनका श्रृंगार किया और मीठे व्यंजनों का भोग लगाया, खुद भी 16 श्रृंगार किया। इसके बाद माँ को लगाए सिंदूर से अपनी और दूसरी विवाहित महिलाओं की मांग भरी। ऐसी मान्यता है कि माँ काली प्रसन्न होती हैं और उन्हें सौभाग्य का वरदान देती हैं। तो हमारी ये खास पेशकश 9 दिन 9 देवी यात्रा में आज हमने आपको कराया कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली के मंदिर। हमारी ये खास पेशकश इसी तरह जारी रहेगी, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी।